सभी को नमस्कार मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम आज डिस्कस करेंगे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम किसी भी कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन को तीन बातों से डिफाइन कर सकते हैं उसके इंटरनल रजिस्टर्स का कॉन्फिग्रेशन कैसा है उसके इंस्ट्रक्शन सेट कैसा है और उसकी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट तो आज की चर्चा में हम इस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के बारे में बात करेंगे किसी भी बेसिक कंप्यूटर के रजिस्टर की टाइमिंग को मास्टर क्लॉक जनरेटर कंट्रोल करता है और यही मास्टर क्लॉक जनरेटर जो क्लॉक पल्स को जनरेट करता है ये क्लॉक पल्सेस जितने भी फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर्स होते हैं उसमें अप्लाई की जाती है जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं यहां पर इस डायग्राम में आप 16 बिट कॉमन बस आर्किटेक्चर में ये सारी जो क्लॉक हैं ये ये सारे रजिस्टर में मास्टर क्लॉक ही इस क्लॉक पल्सेस को जनरेट कर रहा है ये सारे क्लॉक पल्सेस के सारे रजिस्टर और इस मेमोरी से सबसे जुड़ी हुई है अब जब ये क्लॉक पल्स जो जनरेट की जाती है क्लॉक पल्स के चेंज होने में ही ये जो रजिस्टर है अपनी स्टेट चेंज करते हैं आइए थोड़ा सा पीछे वाला जो लेक्चर है उसको रिवाइज करते हैं कि कैसे 16 बिट कॉमन बस काम करता है सोर्स रजिस्टर को ये जो S0, S1, S2 ये सिलेक्शन लॉजिक है ये सिलेक्शन बिट्स है ये सोर्स रजिस्टर को सेलेक्ट करते हैं और जिस भी रजिस्टर को एस जीरो एस वन एस टू सेलेक्ट करते हैं उसके कंटेंट 16 बिट कॉमन बस में आ जाते हैं और जिस रजिस्टर में हमें डेटा ट्रांसमिट करना होता है यानी डेस्टिनेशन रजिस्टर की लोड सिग्नल जब इनेबल होता है तो 16 बिट कॉमन बस से वो ये यहां उस रजिस्टर में लोड हो जाता है राइट right? तो ये जो रजिस्टर की स्टेट चेंज होती है वो क्लॉक पल्स कि बदलने के बदलना तो ठीक है कि क्लॉक पल्स बदलेगी तभी वो स्टेट चेंज करेगा लेकिन स्टेट तभी चेंज होती है उसी रजिस्टर की चेंज होती है जिसकी कंट्रोल या इनेबल लाइन एक्टिवेटेड होती है और वो इनेबल लाइन जैसे कि इस केस में वो लोड लोड कनेक्शन है लोड सिग्नल है जब लोड सिग्नल इनेबल होगा तभी उसी रजिस्टर की स्टेट चेंज होगी तो ये जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं लोड इंक्रीमेंट क्लियर राइट रीड एस जीरो एस वन एस टू ये सब कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है तो कंट्रोल यूनिट के दो तरीके से इंप्लीमेंट हो इंप्लीमेंटेशन होते हैं दो तरीके से आप किसी कंट्रोल यूनिट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और दूसरी है प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट दूसरा इंप्लीमेंटेशन है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में जो प्रोसेसर के अंदर एक मेमोरी होती है जिसे हम कंट्रोल मेमोरी कहते हैं उसके अंदर माइक्रो प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं और किसी भी फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए ये माइक्रो प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट होते हैं और इनके एग्जीक्यूट होने में जो भी नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल होते हैं वो जनरेट होते हैं किसी भी फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए जैसा कि हमने पहले कहा कि जितनी भी कंट्रोल इंफॉर्मेशन है वो कंट्रोल मेमोरी के अंदर स्टोर होती है और किसी भी सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन को इनिशिएट करने के लिए आपको इस कंट्रोल मेमोरी को प्रोग्राम करना होता है इसका क्या फायदा है इसका ये फायदा है कि भविष्य में अगर आप अपने जो माइक्रो प्रोग्राम्स हैं या किसी फंक्शन function को फंक्शनैलिटी ऐड करनी है आपने कंट्रोल यूनिट में तो आपको सिर्फ नया प्रोग्राम माइक्रो प्रोग्राम उसमें ऐड करना है अपडेट भी हो सकता है और ऑल्टर भी हो सकता है उसमें चेंजेस हो सकते हैं उसके लिए आपको सर्किट को रिडिजाइन करने की जरूरत नहीं है लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये इसमें जो ऑपरेशन की स्पीड है वो थोड़ा स्लो होती है